वेलकम गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बार आ गया हूँ एक कार लेकर, सिंगल वीडियोस लेकर आ गया हूँ, जो कि है भाई जगुआर XF 2.2 लग्जरी, जो कि भाई यहाँ पे एक बार देख लो। ऐसी गाड़ी है जो कि मैं आपको दिखाने में मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये गाड़ी जो है सिंगल ड्रिवन, सिंगल हैंडेड और फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। और एक बार देख लो भाई जगुआर XF, और इसका भाई साइड प्रोफाइल भी देख लो, पूरी क्रोमिंग, मतलब 2014 की गाड़ी है, सॉरी 2015 की है, 25 तक टैक्स भी है इस गाड़ी का। और उसके पास क्रोमिंग वगैरह देख लो, 2015 की क्रोमिंग, लेकिन अभी भी देखो भाई एकदम न्यू जैसी लग रही है, क्या बात है। उसका माल के हर जगह एक एक क्रोमिंग जो होता है। उसके बाद ये भाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है इसका HID, और हाई बीम जो होता है ऑटोमेटिक सेंसर करता है, जो भी आगे का कार है तो उस हिसाब से जो लाइट अप एंड डाउन करती है। और इसके अलावा बाकी कुछ तो है नहीं भाई। साइड से एक बार और देख लो, काफ़ी गजब का लुक आ रहा है। और टायर्स वगैरह भी इसका देख लो, यानी कितनी 17 इंच के टायर्स ये। इसके बाद बूट पे आते हैं थोड़ी सी पीछे की तरफ, तो भाई देखो ये चाबी से ही अनलॉक हो जाती है, ये अनलॉक हो गई। अभी देखो इसका भी, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिलता है, माल की स्पेस इसमें भी मिल जाएगी। तो भाई कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये गाड़ी भी सेल पे अवेलेबल है भाई 100%। तो इसके आपने तो देख लिया, अब अंदर चलते हैं, अंदर का भी देखते हैं कुछ भाई, देख ले। चलिए फिर अंदर देख लेते हैं। और ये जगुआर के बारे में और कुड़ी केंद्री जगुआर वाली पे बैठते हैं। और बैठते ही भाई एक बार देख लो इस साइड में, मैं एक बार दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखो भाई कुछ उड़न की फिनिशिंग की गई है, और ये 15 की है, तो भाई गाड़ी थोड़ी सी चली हुई है। और ये लेदर फिनिश पूरी भाई, डैशबोर्ड भी देख लो पूरी, इसके बारे में कुछ बोलने में। इसके बाद यहाँ पे स्टीयरिंग पे कुछ कंट्रोल्स मिल जाता है। इसका स्टार्ट देखना भाई, यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे देखो कैसे मैं करूँगा, जस्ट आप ऐसे प्रेस किया, ये देखो कित ये ऊपर आ गई है ना, गजब की चीज़। तो भाई आइए बैठिए और चलते थोड़ी सी एक ड्राइव लेते हैं, जिससे आइडिया हो जाएगा। तो गाइज़ अभी जो हम बैठे हुए हैं और गाड़ी भी स्टार्ट हुई है, और सबसे पहले इसके स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे देख लो क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, तो ये सब चीज़ नॉर्मल है। और इसकी जो कंट्रोल्स यहाँ मिल जाती है, और सनरूफ की बात कर लेते हैं, ऊपर देख लो सनरूफ भी है इसमें, वो तो रहती है। इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ, ये भी काम कर रही है, वर्क है, सारी गाड़ी वर्किंग कंडीशन में है। पीछे भी सीट्स गजब की है। यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेसेस वगैरह मिल जाता है, USB कॉर्ड, ऑक्स, चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाता है, अरे वाह। इसके बाद यहाँ पे जस्ट ये देखो बोतल होल्डर, और ये भी कितनी कमाल की होती है ना भाई, जस्ट ऐसे प्रेस करना है ऊपर आ गई। इसके बाद यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स वॉल्यूम के, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, नेविगेशन, ऑडियो, सिनेमा क्लाइमेट कंट्रोल, सारी कुछ यहाँ पे मिल जाती है। और मैं ये भी बहुत खास होती है, इसको देखो जस्ट मैंने प्रेस किया अगर AC के लिए, ये ऊपर आ गई ऑटोमेटिक। फिर मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा, ये नीचे चली गई, मेरे को अभी AC नहीं खानी है हवा। तो भाई और आगे में यहाँ पे 6-speed ट्रांसमिशन भी, मैं एक बार फ्रंट में एक बार देख लो, तो यहाँ भी सब कुछ ओके है। तो चलिए फिर थोड़ी सी एक शॉर्ट आउट करते हैं। तो मैं ये देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा दूँ नीचे, ये है P पार्किंग, मेरे को अभी ड्राइव करना है, तो मैंने ला दिया ड्राइव मोड में। तो चलिए फिर इसकी थोड़ी सी मज़ा लेते हैं। और भाई ये देख लो काफ़ी स्मूथ चल रही है, अभी भी कुछ मेरे को वैसा कुछ तो आ नहीं रहा है, फिर भी एक बार देखता हूँ रिवर्स में करके, कि शायद कुछ साउंड या फिर कुछ ऐसा नॉइज़ जिससे पता चले कि गाड़ी में कुछ वॉक है। तो मैं इस बार थोड़ी सी स्पीड में लेता हूँ रिवर्स। अब मैं यहाँ पे भी देख लो भाई, रिवर्स करने से कैमरे में मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं ड्राइव मोड में कर दिया फिर से, और फिर से एक बार थोड़ी सी एक बार टर्न लेता हूँ एक बार, वाह कमाल की ले भाई, क्या फील आ रही है, आपको कैसा आ रहा है फिर? क्या बात, कुछ कहना ही नहीं। फिर एक रिटर्न नहीं हुए, मैं मतलब रिवर्स लेने से क्या थोड़ा सा आइडिया होता है लग्जरी गाड़ी को जब टेस्ट करते हो, तो शायद एक नॉइज़ होता है जो आपको एक नो मतलब कान में सुनाई देता है, तो इसलिए मैं रिवर्स ज़्यादा लग्जरी कार को जब भी चेक करता हूँ थोड़ा सा रिवर्स लेता हूँ। अब मैं फिर से एक बार ड्राइव लूँगा और एक बार सीधा जाता हूँ एक बार। लो भाई ठोक दूँ क्या थोड़ा इसकी जो स्पीड है भाई, अब मैं आगे आ गया। अब फिर से एक बार रिटर्न लेके फिर उसी जगह में मैं खड़ा करता हूँ गाड़ी को, वो यहाँ पे देखो भाई कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे पूरी गैप। अब मैं इसको लगाता हूँ, मतलब सही है भाई, ऑसम
चलाने का अलग ही फील आ रहा है, पूरी मेंटेन की हुई गाड़ी लग रही है। डीजल का, अच्छा डीजल से याद है, मैं आपको बोनेट खोल के भी दिखाता हूँ भाई कि इंजन की कंडीशन क्या है उसके अंदर। फिलहाल यहाँ पे देख लो, फिर से मैं दिखा दूँ, जस्ट मैंने इसको स्टॉप करता हूँ और ये देखो ये अंदर गई भाई। ये कमाल की लगती है भाई, अमेजिंग। ये चीज़ जो जगुआर की है ना वो कमाल की लगती है। चलिए फिर अंदर से भाई, कंफर्टेबल मैंने आपको बता ही दिया, कम्फर्ट है वो तो मैंने बता दिया। अब मैं इसको आगे से बोनेट दिखाता हूँ इसकी जो है। अब इसका देखो मैं थोड़ी सी 2.2 जो इंजन है इसकी 2000 सीसी की, एक बार देख लो ये भी तो काफ़ी, ये भी भाई नीट एंड सही लग रही है। एक बार मैं एक काम करता हूँ और आप लोग को थोड़ी सी मतलब डिटेल के लिए काम करता हूँ, इसको स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ। तो इसको रहते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बार। ये गाड़ी को मैंने कर दिया स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद भी क्या रिएक्शन आ रहा है साउंड से आपको आइडिया लगा सकते हो। तो भाई ये भी देख सकते हो कमाल की है। तो इसको करते हैं अभी बंद, पूरी गाड़ी सील्ड हुई है। तो फाइनली और क्या जानना है आपको, एक चीज़ जानना है प्राइस, इसके जो प्राइस क्या है। तो प्राइस मैं आपको बता दूं कि जो भी प्राइस होगा, क्योंकि ये कोई डीलरशिप की कार नहीं है, तो लाइक जो भी होगा ये क्लाइंट है हमारे। तो जो ईमेल आईडी चल रही है, ये ईमेल आईडी पे आपको हमें मेल करना है और आपकी प्राइसिंग बताना है, या फिर जो भी डिटेल्स बात करना है वहाँ पे शायद नंबर भी शेयर कर देंगे आपको ईमेल आईडी पे जो चल रही है, इसमें ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड है तो वो भाई ज़रूर ईमेल करें, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी कितने में आपकी होने वाली है। भाई कमाल की है, और प्राइस ऐसा है ना भाई, मैं मतलब सच बता रहा हूँ, मार्केट से डीलरशिप का तो गाड़ी है नहीं, तो मार्केट से काफ़ी हट के भाई, मतलब आप सोच भी नहीं सकते मार्केट से कितना नीचे इसका प्राइस है। मैं शायद शेयर भी कर देता, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को रिस्ट्रिक्शन है कि भाई प्राइस को रिव्यू ना करें। तो भाई जो भी प्राइस है भाई कमाल की है, क्योंकि मैं खुद मैं प्राइस को सुना, कमाल की है। तो भाई ईमेल करके इंक्वायरी कर फटाफट, देखो भाई किसके किसके पास जाती है वो, क्या मतलब बिहार जाएगी, झारखंड जाएगी, कहाँ पे जाएगी मेरे को पता नहीं, बट जिसके पास जाएगी ये जगुआर, कुड़ी कैंडी जगुआर पहले लाने। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।